गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू बेटा? टुडे वी विल कंटिन्यू आवर चैप्टर नंबर 3, द कोस्टल प्लेन एंड द आइलैंड. द कोस्टल प्लेन वी ऑलरेडी हैव डिस्कस्ड. टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द आइलैंड. आइलैंड क्या होता है? द्वीप क्या होता है? अ पार्ट ऑफ लैंड विच इज कवर्ड बाई वॉटर फ्रॉम ऑल साइड. यानी धरती पृथ्वी का वो हिस्सा जो कि धरती है, ठीक है, लेकिन चारों तरफ से किससे घिरी हुई है? पानी से घिरी हुई है. तो उस हिस्से को, धरती का वो हिस्सा जो चारों तरफ पानी से घिरा हुआ है, उसको हम द्वीप बोलते हैं, आइलैंड बोलते हैं, ठीक है. अब इंडिया में दो आइलैंड हैं, जो मेन जो आइलैंड हैं वो इंडिया में कितने हैं? 2 हैं. कौन कौन से हैं? अंडमान एंड निकोबार और लक्षद्वीप, ठीक है. अंडमान एंड निकोबार ये एक है और लक्षद्वीप जो है वो एक है, ठीक है. अब हम पढ़ते हैं अंडमान एंड निकोबार के बारे में, ठीक है. ये है कौन सी साइड, जिसकी लोकेशन है वो कहाँ है? बे ऑफ बंगाल में. बे ऑफ बंगाल में बेटा, हम यहाँ पे मैप के थ्रू देखेंगे एक बार कि ये इंडिया का क्या है, मैप है. इस साइड हमारा क्या है? बे ऑफ बंगाल है. और इस साइड हमारा क्या है? अरेबियन सी है. और नीचे कौन सा है? इंडियन ओशियन, ठीक है. अब बे ऑफ बंगाल में जो कोरोमंडल कोस्ट लाइन है, ठीक है, उसके वहाँ पर यहाँ क्या है? अंडमान एंड निकोबार. जो ऊपर नॉर्थ पार्ट है वो अंडमान का है और जो नीचे साउथ पार्ट है वो निकोबार का है. और ये कौन सी साइड है? बे ऑफ बंगाल की साइड में, ओके. अब बेटा, ये जो आइलैंड होते हैं इनमें भी छोटे छोटे क्या होते हैं? ग्रुप्स होते हैं. बहुत सारे आइलैंड्स के ग्रुप होते हैं. तो अंडमान एंड निकोबार में टोटल ग्रुप्स कितने हैं? 204. जो अंडमान एंड निकोबार है उसमें 204 छोटे छोटे आइलैंड के ग्रुप्स हैं, ठीक है. फिर इसकी जो सदर्न टिप है, जो मैंने बताया आपको कि अंडमान और निकोबार बे ऑफ बंगाल में कोरोमंडल कोस्ट लाइन के पास में है, ठीक है, जो इंडिया का पार्ट है, उसकी जो सदर्न टिप है, जो साउथ की साइड सबसे जो नीचे की जो टिप है, उसको हम क्या बोलते हैं? इंदिरा पॉइंट. उसको हम किस नाम से जानते हैं? इंदिरा पॉइंट के नाम से, ठीक है. अब हम पढ़ेंगे लक्षद्वीप के बारे में. लक्षद्वीप जो है वो कहाँ है? अरेबियन सी की साइड में. कहाँ पे है? अरेबियन सी में, ठीक है. नियर टू मालाबार कोस्ट ऑफ इंडिया. बेटा, मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले जो वीडियो आया था उसमें मैंने ये चीज़ बताई कि कोंकण कोस्टल क्या होता है और मालाबार कोस्टल क्या होता है, ये चीज़ बताई थी मैंने. तो जो मालाबार कोस्टल जो हमारा है, उसके पास में हमारा कौन सा है? लक्षद्वीप प्रेजेंट है, ठीक है. इसकी जो कैपिटल है लक्षद्वीप की, वो कौन सी है? कावरत्ती. क्या है? कावरत्ती. इसमें टोटल आइलैंड कितने हैं? अभी मैंने बताया आपको कि छोटे छोटे आइलैंड के ग्रुप्स होते हैं. तो अंडमान निकोबार में कितने हैं? 204 हैं. और लक्षद्वीप में कितने हैं? 43 हैं, ठीक है. दे हैव फ्लैट सरफेस, ठीक है. यहाँ का जो सरफेस है वो कैसा है? फ्लैट है, समतल है, ठीक है. और यहाँ पर जो लोग हैं वो ज़्यादातर दो ही काम करते हैं, ठीक है. कोई फार्मर है तो कोई फिशरमैन है, यानी कोई किसान है, खेती करता है, या फिर कोई क्या करते हैं? फिशेज का काम करते हैं, फिशेज को पकड़ के लाते हैं और उनको बेचते हैं, ठीक है बेटा. एक बार मैं आपको फिर से रिपीट करवा देती हूँ कि जो आइलैंड होता है क्या होता है? लैंड का ऐसा पार्ट जो कि चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है, ठीक है. इंडिया में ऐसे दो आइलैंड हैं जो कि चारों तरफ पानी से घिरे हुए हैं. एक है अंडमान निकोबार, दूसरा है लक्षद्वीप. अंडमान निकोबार जो है वो बे ऑफ बंगाल में है और लक्षद्वीप जो है वो अरेबियन सी में है, ठीक है. अंडमान निकोबार में टोटल आइलैंड के ग्रुप कितने हैं? इस ग्रुप में कितने टोटल आइलैंड्स हैं? 204, यानी 204. और लक्षद्वीप में कितने हैं? 43 हैं, ठीक है. फिर जो अंडमान है वो नॉर्थ में है
और निकोबार है वो साउथ में है। कैसे, किसके साउथ में? कोरामंडल कोस्टल लाइन के पास में जो ऊपर वाला हिस्सा है वो अंडमान का है और नीचे वाला जो है वो निकोबार का है, ठीक है। और ऐसे ही जो लक्षद्वीप है वो अरेबियन सी में है, ठीक है, मालाबार कोस्टल लाइन के पास में। गेट इट बेटा? ओके, थैंक यू।